ऑल इंडिया एशियन की टीम जश्न आजादी के मुबारक मौके पर आप सभी का इस्तकबाल करती है। नमस्कार, मैं कविता। आज हम सब मिलकर उन शहीदों को नमन, उन्होंने हमें अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई है। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को मुबारकबाद। 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन राजनांदगांव के पीटीएस ग्राउंड में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष व राजनांदगांव के विधायक डॉक्टर रमन सिंह रहे। मुख्य अतिथि के द्वारा सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया गया, साथ ही परेड की सलामी ली। परेड के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री के नाम संदेश का वाचन किया गया। आजादी के आयोजन में स्कूली बच्चों ने पीटी का बेहतरीन प्रदर्शन किया व देशभक्ति सॉन्ग में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य करने के लिए सम्मानित किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने शहीद जवानों के परिजनों को शॉल और श्री फल से सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के परेड में आर्म्स प्लाटून के साथ साथ एनसीसी और स्काउट गाइड की टुकड़ियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेता प्रतिभागियों एवं टीम को पुरस्कार वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सभी को तिरंगे की शपथ दिलाई। सोनल विश्वकर्मा। कौन से स्कूल से? स्टेट हाई स्कूल। स्टेट स्कूल से? हाँ। कितने नंबर में आए हो? हम लोग फर्स्ट। अच्छा, कैसा रहा कार्यक्रम? अच्छा था, हम लोग का तो सही था, मैं बाकी लोग का नहीं बोल सकते, लेकिन हमारे प्लाटून वाले लोग बहुत अच्छे। कौन थे? हाँ, नरेंद्र, सॉरी देखो यार, कौन है वो, पता है? नहीं, वो भी नहीं पता। बताइए जी, बताइए कि कौन से स्कूल से? SGNPN आत्मानंद। आत्मानंद और स्टेट मर्ज है। हम लोग फर्स्ट रैंक। विजय कॉलेज के स्टूडेंट से बात करते हैं जी, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रहा था मैम, और जीते तो बहुत अच्छा लगा। कौन से रैंक? मैं जूनियर अंडर सर। कौन से रैंक में आए? फर्स्ट है। फर्स्ट रैंक में है। हम लोग हर बार आते हैं, हम लोग 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, सभी में आते हैं। और कार्यक्रम कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। आज़ादी की आप सभी को मुबारकबाद। यह राजनांदगांव में पहली बार हो रहा है कि पुलिस ग्राउंड सौर परेड मैदान में यहाँ पे आयोजित की गई। इसको एडमिट किया है डॉक्टर रमन सिंह ने, जो विधानसभा अध्यक्ष है और राजनांदगांव के विधायक। 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, ताकि राजनांदगांव के इतिहास में पहली बार है कि सौर परेड ग्राउंड में यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया। हम आपको बता दें कि राजाओं और यहाँ के एक एक लोगों के चवन्नी दे के लोगों ने यहाँ पे स्टेडियम बनाया, लेकिन स्टेडियम को बनाने के बाद नया रूप दिया, लेकिन आज दुर्गति ऐसी है कि मुख्य समारोह आज इनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। कभी स्टेट स्कूल में कहते थे, कभी म्युनिसिपल स्कूल में, लगातार कहीं ना कहीं बदल रहे, लेकिन इतनी दूरी तय लोग कैसे करें? गरीब आदमी किस मुख्य समारोह में कैसे आएगा? जिसके पास साधन है वो आएगा, और जिसके पास साधन नहीं है वो कैसे आएगा? अच्छी अच्छी बातें बोलना, लच्छेदार भाषण बोलना एक अलग बात है। मंत्री है, विधायक है, या फिर कोई अधिकारी, उनके पास गाड़ी होती है, वो सरकारी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है, लेकिन पब्लिक के टैक्सेशन से चलने वाली होती है। हम आपको बता दें कि इतने दूर लोग कैसे आए? पानी नहीं मिलेगा तो लोग कैसे रहेंगे? हम लगातार बने हुए, लेकिन लोगों को पानी तक के नहीं मिल पाया। यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि 26 जनवरी होगा। वही यहाँ के एक अधिकारी हमारे कान में आके पूछता है कि वहाँ काली मिट्टी डाल दी गई है। काली मिट्टी डालेंगे तो ठीक है, उसको ठीक कराओ, क्योंकि ये देश के साथ राजनांदगांव के वो लोग हैं जो आज़ादी के साथ ही, जब मुख्य समारोह होता था तो कभी म्यूनिसिपल स्कूल जिसे होता था, उसके बाद लगातार दिग्विजय स्टेडियम में हम होते देखे आ रहे हैं, लेकिन ये नया रूप है। आप सभी को मुबारकबाद, लेकिन इसको एक बार आप एडमिट जरूर कीजिएगा कि राजनांदगांव में यह आयोजन अच्छा हुआ है, अच्छा कह सकते हैं, लेकिन इसमें खामियां भी बहुत है। खामियां ऐसे कि उद्घोषक को बोलना पड़ा कि यहाँ पर जितने मीडिया के लोग थे उनसे कहीं ज़्यादा ऐसे कैमरामैन थे जो कहीं दिखाई देते नहीं है, कहीं चूक ये बड़ी ना हो जाए, कोई अनहोनी घटना ना हो जाए, इस पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लगातार इस खबर में मेरे साथ कविता है और नवेश, और मैं अखिलेश। आज राजनांदगांव के लिए और मेरे लिए जीवन का ऐतिहासिक दिन है। आज दो बात नहीं हो रही है, एक तो शौर्य परेड मैदान में पहली बार 15 अगस्त का परेड हो रहा है भव्यता के साथ, और जो लुक दिख रहा है वो पूरे लाल किले का लुक दिख रहा है, तो बहुत अच्छा स्थान का चयन प्रशासन ने किया है, और इसमें आज जो भी आया प्रसन्न होके गया। दूसरी बात जो पहली बार हो रही है, मैं 15 साल मुख्यमंत्री रहा, 5 साल केंद्र में मंत्री रहा, विभिन्न दायित्वों में रहा, मगर राजनांदगांव के लंबे काल तक सांसद और विधायक रहने के बाद भी जीवन में पहली बार यहाँ ध्वजारोहण का अवसर मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमेशा यादगार रहेगा कि राजनांदगांव के इस पुलिस मैदान में, पीडीएस के शौर्य परेड मैदान में, आज बच्चों के इस कार्यक्रम में, स्कूल के कार्यक्रम में, जवानों के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। बहुत उत्साह था,
छोटे छोटे बच्चों ने शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत किया, देशभक्ति से परिपूर्ण था। और मुझे लगता है कि ये उत्साह राजनांदगांव के इस माटी में और ख़ास तौर से संस्कारधारी नगरी में जो यहाँ का संस्कार है उसके अनुरूप गौरव में कार्यक्रम हुए। मैं सभी को शुभकामना और बधाई देता हूँ, हर बंधुओं को ख़ास तौर से जो आपने यहाँ पे भागीदारी निभाई, और सभी राजनांदगांव के बंधुओं को जो इस नए मैदान में इतनी बड़ी उपस्थिति के साथ उत्साह के साथ ये कार्यक्रम आयोजन। डॉक्टर साहब, लोगों का कहना है कि मैदान बहुत अच्छा है, यहाँ की फैसिलिटी भी अच्छी है, लेकिन राजाओं के जमाने से एक एक लोगों ने चार आना पाँच पैसा बना बना के स्टेडियम बनाया है। उस स्टेडियम में अगर लोग आ जाते हैं तो शहर के बीच में इतना दूर आना हर बस किसी बात की बात नहीं है। अच्छा कार्यक्रम है लेकिन लोग नहीं आ पाए, जितने लोग आए उसका जगह ही नहीं था अपने पास। आप विधायक, उम्मीद है लोगों, लोग बाहर खड़े थे, इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे। ये मैदान स्टेडियम में भी एक कार्यक्रम होता है, 26 जनवरी वहाँ होता है, 15 अगस्त यहाँ हो रहा है, तो उसकी चिंता ही मत करो। तो जो राष्ट्रीय पर्व है उसको सेलिब्रेट करेंगे लोगों के हिसाब से और स्थान के। धन्यवाद।